न्यूज एस पे 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा। बात करें यहाँ पर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तो हो चुका है, लेकिन चुनाव होने के बाद भी यहाँ राजनीतिक जो चर्चा है वो समाप्त नहीं हो रही है। हम यहाँ पर बात करें यादव परिवार की बहू अर्पणा यादव के बारे में। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जब उत्तर प्रदेश का था, उस दौरान यहाँ पर अर्पणा यादव यादव परिवार को यानी कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन यहाँ पर वो इस लालच में शामिल हुई थी कि उनको उस वक्त पर कोई पद दिया जाएगा, लेकिन उनको किसी भी जिले से टिकट नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अब ये कयासों का जो बाजार है वो बहुत ज्यादा गर्माने लगा है। अर्पणा यादव को बीजेपी ने इतना बड़ा पद दे दिया कि यादव परिवार की आंखें खुली की खुली रह गई। आपको बता दें कि अर्पणा यादव यहाँ बीजेपी की हमेशा से अच्छाइयां गिनवाती नजर आती थी। समाजवादी पार्टी में जब थी वो, उस वक्त भी वो बीजेपी का ही समर्थन करती थी, यानी कि बीजेपी की नीतियां उनको अच्छी लगती हैं और इसीलिए वो बीजेपी में शामिल हो गई और खुलकर यहाँ अखिलेश यादव के खिलाफ वो चुनाव में लड़ती नजर आई थी। आपको बता दें कि अर्पणा यादव को लेकर जो चर्चाएं सामने आ रही है, बीजेपी उससे बहुत ज्यादा खुश है। बीजेपी को जरूरत है अर्पणा यादव जैसे नेताओं की जो बिल्कुल खुलेआम कह सकते हैं कि हाँ हम बीजेपी के साथ है और परिवार दूसरी पार्टी का है लेकिन बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच आपको यहाँ पर बता दें कि अटकलों का बाजार बेहद ही ज्यादा गर्म हो चुका है कि अर्पणा यादव को यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, लेकिन यहाँ पर ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार अर्पणा यादव को जब बीजेपी इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती है उसके बाद यहाँ अर्पणा यादव क्या एक्शन लेंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।